सो फ्रेंड्स वेलकम टू द सीरीज ऑफ क्रिप्टो करेंसी स्पॉट बाय प्रिडिक्शन एंड अगला जो मैंने कॉन्न पिकअप किया दट इज ए आर इसका जो नेम है दट इज आर वी एंड अभी जो प्राइस चला है दट इज एट अबाउट सेवन पॉइंट फोर वन डॉलर्स एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन थर्टीन ऑफ नवंबर उस समय जो प्राइस चला है दैट इज सेवन पॉइंट फोर वन के आसपास अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की बात करें इन दिस पर्टिकुलर ईयर सो लास्ट सीरीज सिक्सटी फाइव डेज में इसका जो ऑल टाइम हाई वैल्यू था दट वॉज एट अबाउट थर्टीन पॉइंट एट डॉलर के आसपास एंड राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग एट अ प्राइस ऑफ सेवन पॉइंट फोर डॉलर के आसपास यू कैन सी द प्राइस एक्शन ऑन अ डेली टाइम फ्रेम दैट अच्छा खासा वॉल्यूम से ब्रेकआउट मिला इसको एंड सपोर्ट्स को ब्रेकआउट करके इट इज गोइंग टू द रेजिटेंस राइट नाउ ठीक है सर इसका वालेट में यह कॉइन पड़ा हुआ है देन यू कैन सेल ऑफ एट अ रजिस्टेंस एट अबाउट नाइन पॉइंट फाइव डॉलर के आसपास अगर आपको बाय करना है देन बाय करने के लिए आपका अभी अच्छा टाइम नहीं यू शूड वेट फॉर अ वाइल एंड यू कैन परचेस एट अ सपोर्ट एट अबट सिक्स पॉइंट वन डॉलर्स के आसपास अगर आपका यह भी ब्रेकआउट होता है देन अगला सपोर्ट मिल रहा है इसको हल्का फुल्का दट इज एट अबाउट फोर पॉइंट सेवन टू एंड यह भी ब्रेक होता है देन यू कैन परचेस एट अब थ्री पॉइंट सेवन नाइन के आसपास ठीक है सो दिस कैन भी द गड बाइंग पॉइंट्स एंड दिस इ गुड सेलिंग पॉइंट ओवर ईर अगर नीचे आता है तो आप बाय कर सकते हैं एंड ऊपर जाता है तो सेल कर सकते हैं ठीक है सो दैट इज द शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें सो सेलिंग पॉइंट्स आर 9.3 के आसपास 11.7 के आसपास एंड देन 14.5 के आसपास अगर ये भी ब्रेकआउट होता है विद अ गुड वॉल्यूम देन सेवेंटीन पॉइंट इज द फाइनल टारगेट अगर ये भी ब्रेकआउट होता है फोर टारगेट्स ब्रेक होते हैं देन अ गुड अमाउंट ऑफ बुलिस मोमेंटम इज सीन इनटू द मार्केट क्योंकि uh, बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है बड़ा क्रैश आया था फ्लैश क्रैश मिला था सो so अगर ये भी ब्रेकआउट होता है देन अपसाइड कैन बी मून बिकॉज बड़ा रेजिटेंस अवेलेबल नहीं है मार्केट में सो दिस इज द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी फॉर द एआर कॉइन